स्वदेश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का और मेरे दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं। इसके जरिए वो तीन विषयों में से एक विषय पर वोटिंग करके सबसे ज्यादा वोट डालकर बहस के विषय का चयन करते हैं। साथ ही पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ चार साथी जुड़ेंगे। मेरे साथ भारती चौधरी ग्रेटर नोएडा से जुड़ेंगी, मेरे साथ देवेंद्र सिंह राजपूत भोपाल से जुड़ेंगे, मेरे साथ सुमित अरोड़ा गाजियाबाद से जुड़ेंगे, मेरे साथ पंकज बिंदल दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने किसे आज बहस का विषय बनाना चाहा है। आज की बहस का विषय है लखीमपुर खीरी में संग्राम को किसने हवा दी। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसे किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार और किसानों के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें मृतक आंदोलनकारी किसानों को 45-45 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि परिवार के एक एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि लखीमपुर में हिंसा को किसने हवा दी। सवाल उन लोगों का भी है जो इस हिंसा में मारे गए हैं, किसानों के अलावा उसमें एक ड्राइवर, तीन लोग, तीन भाजपा के कार्यकर्ता जो बताए जाते हैं और साथ ही साथ एक पत्रकार भी है, उनकी सुत कौन लेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि क्या इस मुद्दे पर जो राजनीति की जा रही है वो जायज है। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने मुद्दों को उठाने और प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन क्या हिंसा के बाद तुरंत उसी जगह जाना आग में घी डालने जैसा नहीं है। आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी। आज तमाम लोगों से हम पूछेंगे कि हिंसा किसी आंदोलन में कितनी जायज है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है लखीमपुर खीरी का अपडेट। मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद प्रदर्शन और बयानबाजी का दौर है। पूरे दिन जहाँ यूपी सरकार मामले में न्याय दिलाने के लिए एक्शन मोड में दिखी, वहीं कुछ सियासी दल विरोध प्रदर्शन कर सियासी चाल चलते नजर आए। बावजूद इसके किसान नेताओं और यूपी पुलिस की सार्थक बैठक के बाद किसान और प्रशासन में सहमति बनी ताकि पीड़ितों को इंसाफ दिलाया जा सके। गिरफ्तारी में भी बड़ी है, FIR भी दर्ज हुई है, सारी चीजें हुई है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे पर लगे आरोपों को गलत बताया। कार्यक्रम समाप्त होने तक, जब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसके बाद तक हम वो वहीं पर थे, फोटो वीडियो ऐसे हजारों लोग, पुलिस प्रशासन सब लोग उसके साक्षी हैं। जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार लखीमपुर हिंसा पर अटैकिंग मोड में रही। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो। दूसरे सियासी दलों ने भी अलग अलग मोर्चाबंदी कर लखीमपुर की घटना को भुनाया। प्रजातंत्र में प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है और उसकी कम से कम सिटिंग जज के अंडर जुडिशियल इंक्वायरी हो और दोषी को तुरंत सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के ही लोगों को आप उनके राज्य के अंदर नहीं पहुंचने दे रहे हैं, आप किसी दूसरे राज्य के मंत्री को, मुख्यमंत्री को वहां पर उतरने नहीं दे रहे हैं, ये तो सीधा सीधा तानाशाही। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी आदेश जारी कर लखीमपुर खीरी में RAF और SSB की दो दो कंपनियों को 6 अक्टूबर तक तैनात कर दिया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। देश की बहस में चर्चा है कि लखीमपुर की घटना संवेदनशील होने के बावजूद क्या सियासी रोटियां सेकने और पॉलिटिकल टूरिज्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या है असल मकसद। तो आप जानते हैं देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में देश के बहस के दर्शकों की राय भी दिखाते हैं। तो हमारा आज का सवाल है, क्या लखीमपुर खीरी की घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई। यस और नो में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002226
पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं, मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ रमणीक मान जी हैं जो कि खुद एक किसान हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन कमेटी के लखीमपुर खीरी से जगतार सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ चौधरी सवित मलिक हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं फार्मर्स यूनियन के, ये तमाम लोग मेरे साथ रहेंगे। और थोड़ी ही देर में मेरे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी हैं जो कि लोक जनशक्ति पार्टी उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ एक बड़े वकील भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं थोड़ी ही देर में हमारे साथ चौधरी नरेश टिकैत भी जुड़ेंगे बातचीत के लिए। लेकिन सबसे पहले आनंद दुबे जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं और मेरा सीधा सवाल, क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खासतौर पर सांसद और जो वहां के लोकल सांसद और मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, क्या हकीकत है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है और इस घटना पर किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मामला पूरी तरह से जांच के दायरे में आ चुका है, न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, इसके एक एक पहलू एक एक बिंदु की जांच होगी, किसकी गलती थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, तमाम तरह के बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और मैं बड़ी ही गंभीरता से इस बात को कहना चाहता हूं कि यह मामला जिस तरह से बताया या दिखाया जा रहा है उसमें कई एंगल निकलकर सामने आते हैं। और मैं स्पष्ट तौर से यह कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माहौल को खराब करने की यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मेरा सीधा सवाल है आनंद जी, मुझे बताइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, हाँ या नहीं? सीधा जवाब दीजिए ना, इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हमको भी पता है गंभीर है, हमको भी पता है ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और अगर चुनाव है तो राजनीतिकरण होगा। नहीं, नहीं, मैं इधर दीपक जी देखिए, यही मैंने कहा कि यह जांच का विषय है कि गाड़ी चढ़ाई गई या क्या हुआ उस घटना में। देखिए, अभी हम कुछ कह दें और कल की डेट में जांच में कुछ अलग चीजें आए तो वो ठीक नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जांच हो रही है, वहां पर जो कुछ भी हुआ है वो एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके आदेश दिए हैं और जो भी किसानों की मांगे थी, जो भी दूसरे पक्ष की मांग थी, उसको सुना गया है और उसके हिसाब से फैसला लिया गया है। तो बहुत जल्द जो है इसकी जांच रिपोर्ट आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जगतार सिंह जी, अभी तो ये कहने को तैयार नहीं है कि जो मंत्री हैं उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन हकीकत क्या है और क्या आप लखीमपुर खीरी में हैं, क्या जो समझौता हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस समय लखीमपुर खीरी में हूँ और कल से यहीं पर हूँ। और जो हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जांच का विषय है और अन्य अन्य बातें हैं, और जिसे हज़ारों लोगों ने देखा है किस तरीके से उसने किसानों को रौंदा है, किस तरीके से गोलियां चलाई हैं, ये सबके सामने हैं। और भारतीय जनता पार्टी की समस्या ही दरअसल ये है कि ये सच को स्वीकार करने में कहीं ना कहीं अपनी इंसल्ट महसूस करती है, अपनी बेइज्जती महसूस करती है। तो हमारा ये कहना है कि सच को ज़रूर स्वीकार करें, कम से कम अगर किसान शहीद हुए हैं इसको आप ड्रामा तो नहीं कह सकते ना, इसे तो ड्रामा नहीं कहा जा सकता। आनंद, आनंद जी जवाब देना चाहते हैं, आनंद जी बताइए, तो साफ आरोप लगा रहे हैं कि हाँ भाई सांसद के बेटे ने, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और गोलियां भी चलाई। जी देखिए, देखिए, और हजारों लोगों ने देखा है उसको। देखिए देखिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जी हजारों और लाखों लोगों ने तो ये भी देखा है कि किस तरह से एक ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा था, उसके खून बह रहे थे, वह कह रहा था और उसको लाठियों डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया। किस तरह से वो भिंडरा वाला की टी शर्ट पहनकर लाठियां चला रहे थे जो लोग, उनको भी लोगों ने देखा है। इसके अलावा दिल्ली में जब आंदोलन हुआ था तो बहुत ही
अरे आप लोगों को कपड़े दिखते हैं, भावनाएं नहीं दिखती। ट्वीट किया भारतीय जनता पार्टी को कपड़े दिखाई देते हैं, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, आपको इमोशन दिखाई नहीं देता। आपका भी आपको इमोशन दिखाई नहीं देता बिल्कुल। अरे भाई साहब आपका भी मौका आएगा, आप भी बोलिएगा, आपका भी मौका आएगा, आप भी बोलिएगा। सुन तो लीजिए दिल्ली में जब 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई उस दिन क्या ट्वीट किया गया और फर्जी अफवाह फैलाई गई कि किसान को गोली मार दी पुलिस ने, जबकि सत्यता क्या थी? ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई थी। ये बाद में तो मारी नहीं क्या किसान को? इसी तरह ये भी तो चीज को बोल देना कि ऐसा हुआ, क्या किसान शहीद नहीं हुआ उसमें? नवरीश सिंह शहीद नहीं हुआ क्या? मैं देखिए मैं बड़ी स्पष्ट, क्या नवरीश सिंह शहीद नहीं हुए उस दिन 26 जनवरी को? वहां तो 9 लोगों की मृत्यु हुई है, वहां 9 लोगों की मृत्यु हुई है और हर एक मृत्यु पर हमको अफसोस है, हुई है, हमें तकलीफ का दोषी है, हमें दर्द है। वो किसकी वजह से हुई है कि उस पर घटिया बिल्कुल हमें उन 9 की 9 हत्याओं का हमें कष्ट है। लेकिन अफसोस ये है, हमें अफसोस ये है, कष्ट है उन 9 हत्याओं का, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार आपका राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री। हमें अफसोस इस और देश है के लिए से शर्मनाक बात नहीं हो सकती किसानों के नाम पर, कि देश का गृह मंत्री और उसका बेटा इस तरीके से 9 हितों को साध रहे हैं, उस किसानों के राज्य पर राज्य मंत्री का बेटा 9 कतर शरेआम कर देगा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारत के लिए नहीं हो सकती। भारत के लोकतंत्र जगतार सिंह जी सुनिए, आनंद दुबे जी एक मिनट सुनिए, जगतार सिंह जी यहाँ पर मैं अपना काउंटर देना चाहूंगा। कुछ तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली है जिसमें आंदोलनकारी आदमी को पीट पीट के मार रहे हैं, वो तस्वीरें भी तो सार्वजनिक है ना, उस पर क्या कहेंगे? आप पर हमला हुआ बिल्कुल नाजायज है, किसी आदमी को जरा सी चोट लगी बिल्कुल नाजायज है, लेकिन आंदोलनकारियों ने भी तो लोगों को पीट पीट कर मार डाला, क्या ये सच नहीं है? इसकी न्यायिक जांच की मांग हमने की है, किसानों ने की है, जांच में सामने आएगा कि वहां पर वो लोग क्या करने गए थे, यहाँ पर किसान शांतिपूर्वक बैठे थे, तो हो रही है पर आपके गृह राज्य मंत्री का बेटा क्या लेने गया था? यही तो हम भी कह रहे हैं, वहां पर गोली चलाई, हम भी कह रहे हैं। जब आप किसी पर हमला करने जाएंगे साहब, जब आप किसी पर किसी की हत्या करने जाएंगे तो क्या होगा वहां पर? न्यायिक जांच की मांग किसानों ने की है, लेकिन अगर मोनू मिश्रा आरोपी है तो आंदोलनकारी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया। जगतार सिंह जी इस बात को आप डिफेंड करिए, हत्या करने गुलदस्ता और अगर 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 गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गलत किया, गोलियां चलाई जैसे आरोप उन पर लग रहे हैं, तो कुछ आंदोलनकारी किसानों पर भी आरोप है और लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि वो पीट पीट कर मार रहे आदमियों को, इस पर भी दुख बताइए, इस पर भी बताइए कि गलत हुआ है। बहुत स्पष्ट बता देता हूं, पार्टी की सरकार पिछले 11 महीने से आरोप ही तो लगा रही है, जो भी दोषी होगा आरोप ही लगा रही है, चाहे वो जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बड़ा हो। मैं आगे बढ़ता हूं, जगतार सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, आप होनी चाहिए। मैं ये सवाल सीधे रफीक मान जी के पास चलता हूं, उसके बाद चरणजीत सिंह सप्रा साहब के पास चलूंगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना है और राजनीतिक मुद्दा बनना भी चाहिए ऐसे मुद्दों को, क्योंकि आम जनता और किसानों से जुड़ा मामला है। रमणीक मान जी क्या कहेंगे लखीमपुर में जो हुआ? जगतार सिंह जी जिन आंदोलनकारियों के हाथ में जो लाठियां थी और जिससे वो मार रहे थे उसको कंडेम नहीं कर रहे? देखिए जगतार जी का एक अपना पक्ष है, जगतार जी हमेशा अपने एक पक्ष के हिसाब से बात करते हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा निष्पक्ष। देखिए दीपक भाई, सच्चाई ये है कि इस सारे प्रकरण में 8 भारतीय मारे गए, 8 भारतीय जाने गई, हमारे हिंदुस्तानी भाई, हमारे भारतीय भाई मारे गए, उनको आप किसी कैटेगरी में डाल के देख लीजिए, 4 एक गुट के और 4 दूसरे गुट के। एक गुट का प्रयास ये था कि हम वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोकें और खासतौर पर जो बीजेपी मंत्री है उसका रास्ता रोका जाए, लाठी डंडे पत्थर के साथ उनकी गाड़ियों पर आक्रमण हुआ। दूसरे गुट की ओर से यह हुआ कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी और वो किस तरीके से रौंदे गए, कहीं नहीं रौंदे गए, वो अभी तस्वीर सामने आनी बाकी है, मेरा ख्याल है उसकी भी तस्वीर जल्दी आएगी। पर एक चीज इसके अंदर मैं वाजे कर दूं, ना तो किसी को अधिकार है किसी को लाठी डंडा पत्थर मार के उसकी जान ले ले, और ना किसी को हथियार है ये किसी को अधिकार है कि वो गाड़ी के नीचे किसी को रौंद दे। सच्चाई इसके अंदर ये है कि 2 गुटों की लड़ाई के अंदर 8 भारतवासी मारे गए, और दिक्कत मुझे जिस बात से सबसे ज्यादा है वो ये है
कि एक तरफा एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरी तरफ की एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। अगर कानून हो, अगर आपने इंसाफ देना हो तो इंसाफ पूरा दीजिए, और पूरा इंसाफ तब माना जाएगा जब दोनों गुटों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज होगी, जिसने उकसाया रास्ता रोकने के लिए उसके ऊपर भी 120 भी, और जिसने उकसाया किसी को गाड़ी के तले रौंद के मारने के लिए उसके ऊपर भी 120 भी, तब कानून का और निज़ाम माना जाएगा, तब माना जाएगा कि इंसाफ बराबर हुआ है। ये कौन लोग थे जिन्होंने रास्ता रोकने का प्रयास किया, ये कौन लोग थे जिसने गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ाई, और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लाठी डंडे मार मार के लिंच करके मार दिया गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत में, उनके ऊपर भी बराबर एफआईआर होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रमणीक भाई, गोली मारनी ठीक है मान साहब, बिल्कुल सही बात है, सप्रा साहब के मैं चलता हूं, सप्रा साहब 26 जनवरी को गोली मार मारी, आज गोली मार दी बाजवा साहब, झूठ बोलते हो तुम बताओ किसको गोली मारी 10 महीनों से 11 महीनों से 1 साल, आप झूठ बोलते हो मान साहब, अपनी कोठी में बैठ करके आप लखीमपुर आइए, मेरा चैलेंज है कल लखीमपुर आइए, गोली लगी आप लखीमपुर आइए, गोली लगी बता किसको गोली लगी, अबे आप लखीमपुर आइए, मैं लखीमपुर की बात कर रहा हूँ, झूठ, मैं लखीमपुर की बात कर रहा हूँ, लखीमपुर आइए कल, गोली लगी कल आइए, किसको गोली लगी, डंडे मार मार के झूठ नहीं पड़ तू है, तू झूठ नहीं पड़ भाई, ना अभी कोठी से आगे खेत जा, तू झूठ नहीं पड़, आप जो भी कह रहा हूं अच्छा व्यक्तिगत ना हो, प्लीज 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 दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सीधे सप्रा साहब के पास चलना चाहता हूं। सप्रा जी, प्रियंका गांधी को ये कहते हुए रोक लिया गया कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाह रही थी, इसलिए वो लखीमपुर खीरी जाकर आग में घी डालने का काम करती, क्या आप इसको इस आरोप को उचित मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के? शासित राज्यों के अंदर, चाहे वो हरियाणा है चाहे वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा में एसडीएम कहता है कि सर फोड़ दो किसानों के, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ठोक दो और रोंद दो का कार्यक्रम चल रहा है, जब देश के अंदर भाजपा शासित राज्यों में ठोक दो रोंद दो सर फोड़ दो इस तरह की राजनीति चलती हो निहत्ते किसानों पर, तो आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा रहे? क्या विपक्ष को लूला लंगड़ा बनाकर के मोदी सरकार रखना चाहती है? हम क्या झुंझुना बजाने के लिए हैं? ये हमारा दायित्व है विपक्ष होने के नाते, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का, कि जब जब किसानों पर या किसी भी भारतवासी पर इस तरह से अत्याचार हो तो विपक्ष उसकी आवाज को बुलंद करेगा। और प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करने के लिए गई वहां पर, अगर भूपेश बघेल जाना चाहते थे तो किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए वहां पर जा रहे थे, अगर पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पंजाब के वर्किंग प्रेसिडेंट या पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर जाना चाहते थे तो किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जाना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि वहां पर किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ है। तो यह विपक्ष का दायित्व है, भारतीय जनता पार्टी अत्याचार करती रहे, आप कहेंगे कि एफआईआर हुआ है, लेकिन मेरा यह कहना है कि गुनहगार कब होगा गिरफ्तार? अगर एफआईआर हुआ है, अगर अजय मिश्रा के बेटे पर एफआईआर हुआ है तो उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री रहते हुए क्या तहकीकात निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? वो तमाम सारी एजेंसियां जो जांच करेंगी वो गृह राज्य मंत्री के अंडर में आएंगी, इसलिए गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा पहला होना चाहिए और फिर इस तरह की जांच होनी चाहिए, और जांच जो है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से सरकार अत्याचार कर रही है, वो चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, आपने देखा है कि किस तरह से हाथरस के अंदर पीड़ित परिवार को ही वहां पर दोषी ठहराने का प्रयास किया गया, वहां पर लड़की को जिंदा उसकी लाश को जलाने का रातों रात प्रयास हुआ है। तो इस तरह के जब हम कार्य देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लोकतंत्र पर ठोक तंत्र हावी है, और इस ठोक तंत्र के खिलाफ अगर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी आवाज बुलंद करती है तो वो लोकतंत्र के अंदर सच्चाई है और वो करनी चाहिए हमेशा। ठीक है, मैं वाजपेयी जी के पास आता हूँ, आनंद जी मैं एक मिनट आपके पास आऊंगा, वाजपेयी जी का एक वर्जन लेना चाहूंगा। वाजपेयी जी मुझे बताइए, क्या ए कांग्रेस की मांग जायज है, और बी क्या ऐसे माहौल में पॉलिटिकल पार्टीज को लखीमपुर खीरी जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी सप्रा साहब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, इन्होंने ये मान लिया है कि इतने संवेदनशील विषय पे राजनीति करना चाह रहे हैं, ये फोटो ऐप नहीं है तो और क्या है? एक बात बताइए मुझे, जब मालूम है कि वहां पर दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं,
और 8 या 9 आदमियों की मौत हो चुकी है, तो क्या करेंगे जाके वहां पे? दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे क्या? क्या क्या कार्यकर्ता बीजेपी के भी मरे हैं? और किसान हम नहीं कहेंगे, किसान के बीच में जो असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं ये उनका कृत्य है। और ये बार बार कही जा रहे हैं कि हत्या कर दी, गाड़ी रोन दी। अरे भाई क्यों हत्या कर दी जाएगी किसानों से? कोई बीजेपी की या वहां के लीडर की किसी से कोई दुश्मनी है क्या? वो अपने आंदोलन कर रहे हैं 2 साल से, बैठे हुए करते रहिए आंदोलन। आप देखिए हुए हादसे को आप हत्या में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उनका स्टेटमेंट गृह राज्य मंत्री के बेटे का सब टीवी पे चल रहा है, और उन्होंने एक बाकायदा प्रूफ के साथ ये बताया कि मैं मौके पर बिल्कुल नहीं था, मेरा ड्राइवर गया था, मेरी ड्राइवर की 3 गाड़ियां थी, वो कोई प्रोग्राम था उसमें उनको रिसीव किया था, वहां से जब वो लोग वापस आ रहे थे तो इन्होंने घेर लिया उसको, और जब वो भगाने लगे तो वो गाड़ी पलट गई, और जब गाड़ी पलट गई तो उस ड्राइवर को बेचारे को लाठियों से मार मार के अधमरा करके बिल्कुल जान चली गई उसकी। देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें राजनीति करेंगे? होड़ सी लग गई है, अखिलेश बाबू भी निकलेंगे, प्रियंका गांधी भी निकलेंगी, वो जयंत चौधरी भी निकलेंगे। अरे भाई ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है तो क्या है? 2 दिन बाद चले जाइए। देखिए सांत्वना देने का आपको हक है, उनके परिवार के घर जाने का भी हक है, अभी 2 दिन बाद जाइए। अगर सांप्रदायिक हिंसे बढ़ जाएंगे वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है? न्यायिक आयोग बिठा दिया गया है और किसानों की सहमति से जो जो उन्होंने मांगे की सारी मांगे मान ली गई हैं। अब कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाई किस बात का? अगर बेटे ने कोई अगर अपराध किया है तो बेटे को सजा मिलेगी या बाप को सजा मिलेगी? और जबकि बेटे का स्पेसिफिक डिनायल है, आप उसको सबूत करेंगे? दीजिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। और ये मत भूलिए कि जो ड्राइवर और 3 आदमी मारे गए हैं उधर से भी हत्या का मुकदमा है, चाहे 1 FIR लिखी गई है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा वो उसमें आएगा। और कांग्रेस तो कहां से हो गई? मुझे सपरा जी ठीक है, संजय गांधी जी आपने अपनी बात कह दी, रिपीट कर रहे हैं आप। मैं चरणजीत जी आपके पास सीधे आऊंगा, लेकिन उससे पहले भारती चौधरी ग्रेटर नोएडा से उनके पास जाऊंगा, फिर मैं चरणजीत सिंह जी के पास आऊंगा। भारती क्या कहेंगी लखीमपुर में जो हुआ उस पर? जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं तो कोई ना कोई सीन तो मतलब बनना ही था, और वो लखीमपुर में बना है तो ठीक है। इलेक्शन पास आ रहे हैं इसलिए कोई ना कोई सीन बनना था, ये हमारे आम लोग कह रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के बासिंदे हैं, नोएडा में रहती है भारतीय। चरणजीत सिंह सपरा साहब, डिनायल दोनों तरफ से है, लेकिन एक तरफा आरोप लगाना क्या ये उचित है? और बी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जस्टिस जज से इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन किसान संगठन मान चुके हैं हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के साथ इसकी जुडिशियल जांच के लिए एग्रीमेंट हो चुका है, तो फिर इसको इस बात को हवा देने का अब क्या लॉजिक है? नहीं देखिए, हवा देने की बात नहीं है, किसान संगठनों की अपनी मांग है, कांग्रेस पक्ष की अपनी मांग है। क्या लोकतंत्र में हमें अपनी मांग रखने का अधिकार नहीं है क्या दीपक जी? बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी हमारे मित्र वाजपेयी जी बोल रहे थे, बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से सारा वक्तव्य किया है संवेदनहीनता उसमें नजर आ रही है, और उन्होंने तो क्लियर कट क्लीन चिट दे दिया अजय मिश्रा जी के पुत्र को। अगर क्लीन चिट दिया है तो फिर प्राथमिक जो जांच के तहत FIR हुआ है जिसमें उनका नाम आया है, फिर तो वो भी गलत है। यानी वाजपेयी जी सही हैं या उत्तर प्रदेश की पुलिस जिसने FIR लिया है वो सही है, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। और जहां तक वो कह रहे थे कि इनको कल जाना चाहिए था, परसों जाना चाहिए था, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जब 26/11 का अटैक मुंबई में हुआ था तो वहां पर अटैक चल रहा था, और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल ताज होटल जहां पर आतंकवादियों से हमारे जवान लड़ रहे थे 200 मीटर पर आकर के नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की और UPA की सरकार को भला बुरा कहा था, और दूसरे दिन किस तरह का पोस्टर छपा था आपको याद होगा, फ्रंट पेज पूरे देश के अंदर खून बताया हुआ था। तो वाजपेयी जी ये नसीहत जो है आपके पार्टनर जो है नरेंद्र मोदी जी उनको भी नसीहत दीजिएगा, खाली हमको नसीहत देने से काम नहीं होगा। यहां पर किसानों का आंदोलन 10 महीने से चल रहा है,
600 से ज्यादा किसान उसके अंदर उनकी मौत हो चुकी है, शहीद हुए हैं, और आप दे क्या रहे हैं? ये जो आज जो शहीद हुए हैं उनको आप 45 लाख रुपया दे रहे हैं, 45 लाख रुपया, ये क्या किस तरह का आपका आंकड़ा है? आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए था इन परिवारों को जिनकी निर्मम हत्या हुई है, और नेता पुत्र ने गाड़ी चढ़ाई है, नेता का क्यों नहीं राजीनामा होना चाहिए? क्या गृह राज्य मंत्री रहते हुए आप क्या चाहते हैं वाजपेयी जी कि इस तरह से जांच निष्पक्ष हो जाएगी? ठीक है, कहां का लोकतंत्र है? वाजपेयी जी बोलिए, फिर मैं संवित मलिक जी के पास चलता हूं। जनता इतनी बेवकूफ है कि वाजपेयी जी जो बोलेंगे उसको मान करके निकल जाएंगे। अरविंद वाजपेयी जी जवाब देते हैं। आनंद भाई मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी पार्टी ने 60 साल सरकारें चलाई है, 60 साल देश पे राज किया है, सरकार चलानी आपको आती थी, आपने क्या किया होता था ऐसे इंसिडेंट में? मुझे सरकार को नरेंद्र मोदी जी नहीं जोड़ेंगे, सरकार जो कर सकती है उसने फौरन किया और बगैर देरी लगाई किया। छोटा मुद्दा था, हाईकोर्ट के जज से जांच कराई, 26/11 छोटा मुद्दा था, और जो दोषियों को पकड़ा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जारी की जाएगी। देश के सिपाही वहां पर लड़ रहे थे जब आतंकवादियों से, तब नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, तब आप कहां सो रहे थे, तब आप धृतराष्ट्र की भूमिका में थे, तब आप शुतुरमुर्ग बने हुए थे, शुतुरमुर्ग की भूमिका से बाहर आइए, पहले ही एलजीपी का सरकार करके। प्लीज सप्रा साहब, आपने अपनी बात कंप्लीट करी, वाजपेयी ने कुछ नहीं बोला, प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए, वाजपेयी जी 3 सेकंड और, सप्रा जी गलत है, गलत है, प्लीज उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात, आपने बोल लिया उनके ऊपर। देखिए देखिए सप्रा साहब, मेरा ये कहना है ये कोरा और तो मेरे सवाल का उत्तर देना, ये कोरा और कोरा आपकी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ट्विटर के नेता हैं, वो राजनीति करना चाहते हैं, और आर प्रियंका गांधी जी ने बताया कि जब भी कोई ऐसा मौका फौरन निकल लेते हैं, तो मौके ढूंढते रहते हो क्या, या मौके क्रिएट कराते हो? लेकिन किसानों का संवेदनशील बोलिए, ठीक है, अब आप एक दूसरे पर बोल रहे हैं, प्लीज मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा, मैं सीधे आनंद दुबे के पास चलता हूँ। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगा 26/11 को लेकर, और लखीमपुर खीरी जाने से अगर 26/11 में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो फिर प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी क्यों नहीं जा सकती? ये सवाल उठा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। नहीं देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यूपी में ठोक तंत्र चल रहा है। मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं पुरानी घटनाएं तो बहुत सी हैं, मैं एक ताजा घटना बता रहा हूं, अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ में वीडियो भी चल रहा है, आप देखिए किस तरह से अपनी फसल अपनी उपज बेचने गए किसानों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। प्रियंका गांधी ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, ये कांग्रेस पार्टी की हकीकत है। कांग्रेस पार्टी के ही विधायक भाई अजय कुमार जो पंजाब से हैं, जिनका बयान आया था कि इस पूरे कि ठोक दो नीति पर आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी है और विपक्षी दल इसमें साजिश कर रहे हैं, ठोक दो नीति, पहली चीज, योगी दूसरी चीज की सबके बीच में मत बोलिए प्लीज, 23 साल पहले प्रदेश के मुल्तई में मुझे ऑडियो करना अच्छा नहीं लगता, पहले सुन लीजिए भाई, अरे भाई बोलिए, देश बोलिए। आपको नहीं सुन रहा है, कम से कम टीवी पे तो शालीनता बरती है, आप बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए 23 साल पहले तो मध्य प्रदेश के मुल्तई में 24 किसानों को इसी कांग्रेस की सरकार ने मरवाया था, गोलियां चलवाई थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना की गई थी, बाबा रामदेव के आंदोलन पर किस तरह लाठियां चलाई गई, इंदिरा गांधी के समय किस तरह साधु संन्यासियों पर गोली चलवाई गई, कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है लोगों की आवाज को दबाना, गोली चलवाना, आप लोग तो नरसंहार तक करवाने वाले लोग हैं, इसलिए कम से कम ठोक तंत्र भाई की बात आपने, करिए। आपने हाथरस में क्या किया, फूल आप जिस फूल गाड़े हैं क्या कर रहे हैं, आपने आपने, आपने सोनभद्र में क्या किया, के नाम वहां पर फूल उगाए क्या, गंदी और घटिया लोगों ने क्या किया है, आप बताइए वह कौन सा किसान आंदोलन होता है, वह कौन सा किसान आंदोलन होता है जहां एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, वह कौन सा किसान आंदोलन होता है जहां गैंग रेप होता है, वह कौन सा किसान आंदोलन होता है जहां पर पाकिस्तान और खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं? प्लीज इस बारे में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर अन्नदाता सवाल उठे। आनंद जी मैं यहाँ पर रोकूंगा, प्लीज 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 ऐसी कोई बात ना करिए जिससे अन्नदाता पर सवाल उठे। मैं नहीं चाहता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो किसी भी
पड़ोसी देश या उससे जुड़ी हुई किसी भी शरारत से हमारे अन्नदाताओं का कोई लेना देना नहीं, इस बात को लेकर मैं कन्विंस हूं। सीधे सवित मलिक साहब के पास चलता हूं। सवित मलिक, कई किस्म के आरोप लग रहे हैं आप पर, कई किस्म के इस किसान आंदोलन पर। सवाल यह है सवित जी कि कब तक, कहां तक, कब तक चलता रहेगा यह आंदोलन, कैसे खत्म होगा, क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है दिल्ली बंधक है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कानून सस्पेंडेड है, फिर प्रदर्शन का क्या मतलब? और अब तो 9 लोगों की जाने चली गई सर इस आंदोलन के नाम पर। आप बहुत अच्छे आदमी हो और आपको किसान आंदोलन को भी लेकर आप पहले दिन से कवर कर रहे हैं, और जो ये घटना हुई है इसमें जिसकी भी जान गई है बहुत दुखद है, निंदनीय है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं गंभीर होना पड़ेगा। और ये घटना की शुरुआत कहां से हुई है? जो किसानों से वादे किए गए उन वादों को पूरा नहीं किया गया। लखीमपुर की जो जड़ है घटना की वो है वहां पर गन्ना की खेती। अभी जो उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट घोषित किया गया है, इन्होंने 2017 में कहा था कि हम 370 का रेट देंगे, चुनाव से पहले 450 की मांग करते थे, लेकिन पंजाब में हमारे किसान को बिजली फ्री मिलती है, वहां रेट 360 का है। हरियाणा में जो गन्ना किसान है उनको बिजली मिलती है 35 रुपए यूनिट, वहां 362 का रेट है, और उत्तर प्रदेश में 175 रुपए यूनिट मिलती है किसान को, और यहाँ 350 का रेट है। तो जब से गन्ने का रेट बढ़ा था उससे लेकर किसानों में आक्रोश था, उसी को लेकर माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बयान दिए और उन्होंने देख लेने की धमकी दी। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, मतलब राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, उनको पूरे देश को संभालना है, तो वो अपने परिवार, अपना घर और अपना जिला नहीं संभाल पा रहे। तो बड़े दुख की बात डिबेट के अंदर ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता, एलजीपी के प्रवक्ता, उनके चेहरे पर थोड़ी भी मासूमियत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है कि हमारे देश के, हमारे परिवार के 8 लोगों की जान चली गई, ये लोग हंस रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, ये वही अन्नदाता है जिसने वोट दे के आपको यहां तक पहुंचाया है, आपने इनके कंधे पे पैर रख के सत्ता हासिल की है। कोई राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है, जब विपक्ष में होती है तो हमारी हो जाती है, और जिस दिन सत्ता मिल जाती है उस दिन हमसे मुंह फेर लेती है। किसान को उसका वाजिब दाम और समय पर भुगतान चाहिए, किसान अपनी लड़ाई उसके लिए लड़ रहा है। किसान को किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारा किसी से निजी विरोध नहीं है। वाजिब दाम के लिए तो आप बात कर सकते हैं ना सवित मलिक जी, वाजिब दाम के लिए तो आप बात कर सकते हैं ना, एमएसपी के लिए आप बात कर सकते हैं। आप लोगों ने तो जिद लगा रखी है कि 3 काले कानून वापस लो। सरकार पूछती है इसमें काला क्या है तो सब कोई सीधा जवाब देता ही नहीं है उसका। मुझे इसका जवाब दे दीजिए ना, सरकार तो एमएसपी पर, वाजिब दाम पर, सब चीजों पर बात करने के लिए राजी है। 11 बार आपकी बातचीत भी हुई दीपक जी, आप भी बैठे हैं और 2 बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, नोट कर लीजिए, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा हुआ है, एसडीएम का फैसला बाध्यकारी फैसला होगा, उसका बल डिग्री के समान होगा, और सर उस पर तो बात हो चुकी है, बात भू राजस्व उसको परिवर्तित करने को केंद्र सरकार तैयार है। सवित मलिक जी, उसको परिवर्तित करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, कहां नहीं तैयार है दीपक जी? लेकिन आप तो कह रहे हैं यस और नो में, बताइए कानून वापस लेंगे या नहीं, यही पर तो बात टूटी है। दीपक जी, सरकार ने दीपक जी अमेंडमेंट कर दिया है, सरकार इसके अलावा मौलिक अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत देश में न्याय के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, संविधान ये अधिकार देता है, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। आप जो कहते हो सारी बातें आपकी हवा में होती है, क्या करके दिखाया आपने? आप हवा में कहते हो एमएसपी है, बनाओ कानून। आप कहते हो हमने ट्रैक्टर वाला मुकदमा ले लिया, क्यों नहीं बनाया आज तक कानून? आप कहते हो पराली पत्ती वाला ले लिया, क्यों नहीं बनाया? आप कहते हैं अमेंडमेंट करते हैं, क्यों नहीं किया अभी तक? सारी बातें आपकी हवा में होती है। एक काम बता दीजिए, आपने किया हो 300 दिन में, आपने 2 आंसू नहीं बहाए। हम बार बार कहते हैं, आज भी कहते हैं, जितने लोग वहां हुए उनको सबको हमारा नमन है, हमारी श्रद्धांजलि है। अरे हमारे परिवार के लोग वहां मरे हुए पड़े, आप सौदा कर रहे हैं 45 लाख रुपए में। हम गांधीवादी हैं, लेकिन हम कहते हैं मंत्री बेटे को मंत्री की गाड़ी के नीचे दीजिए, हम चंदा करके 1 करोड़ रुपए देंगे उसको। शर्म आनी चाहिए आपको, किसान का सौदा कर रहे हो आप लोग। पैसे से किसान को नहीं तोला जा सकता है। आप हरियाणा में पैसा दे दोगे ना, मुआवजे की मांग तो आप ही लोगों ने करी थी ना, अब आप इन पर आरोप लगा रहे पैसे से तोलने का। सवित मलिक जी, ये भी लॉजिक गलत है ना,
मुआवजे की मांग तो संयुक्त किसान मोर्चा ने करी थी ना, और उसको खरीदते रहिए। अरे गरीब है, उसकी माँ के आंसू देखिए, मुझे मुझे सभी भाई, सभी भाई ये बताइए ना, बड़े भाई ये बताइए ना, मुआवजे की मांग तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ही करी थी ना, और किसी ने तो करी नहीं थी। और चार किसानों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन जो बेचारे घुन की तरह पिसे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो गरीब ड्राइवर हो, चाहे हमारा भाई वो पत्रकार हो, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, गेला भी नहीं मिल रहा। आप लोगों ने तो राजनीति करके 45-45 लाख रुपए ले लिए, उनको तो गेला भी नहीं मिल रहा। दीपक भाई ये बताइए, गरीब किसान है, उसके पास कुछ नहीं, उसका परिवार कैसे चले, कुछ तो मिला, लेकिन क्या आप उन पांच लोगों के बारे में भी सोचिए ना, उस पत्रकार के बारे में भी सोचिए, उस ड्राइवर के बारे में भी सोचिए, तीन अन्य लोग जो मारे गए उनके बारे में भी सोचिए, उनको तो मुआवजा नहीं मिल रहा ना समित मलिक जी, उनके बारे में भी सोचिए ना सर, उनकी भी जान गई है, उनके भी परिवार को चलाने वाला कौन है, एक ड्राइवर कितना कमा लेता होगा सर लखीमपुर खीरी में, जिसको पीट पीट कर मार दिया गया। पत्रकार को मुआवजा मिलना चाहिए, पत्रकार अपराधी नहीं है, पत्रकार को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन जो शांति प्रिय लोग बैठे थे, सुबह से बैठे थे, एलआईओ को खबर थी, शासन को खबर थी, प्रशासन को खबर थी, उप मुख्यमंत्री को खबर थी, ठीक है, मैं सीधा अवनीजेश अवस्थी जी के पास चलता हूँ। अवनीजेश जी, क्या इसको आप उचित मानते हैं कि 9 लोग मारे गए, 4 किसानों को आप मुआवजा दे दें, लेकिन बाकी 5 को ना दे, जिसमें एक पत्रकार है, एक ड्राइवर है और 3 अन्य लोग हैं? दीपक जी, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं है। जो मुझे खबर का जितना एहसास था, मुझे ये था कि शायद जितने लोगों की मृत्यु हुई है, जितने लोगों की हत्या हुई है, जितने लोग मारे गए हैं, उन तक ही गलत है। मैंने इस बात को क्रॉस चेक किया और मुझे यही जानकारी है अभी तक, अगर मैं गलत हूं तो आनंद दुबे जी मुझे कनेक्ट कर दें, सिर्फ 4 किसानों को मुआवजा देने की बात हुई है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, और इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि सिर्फ 4 लोगों को क्यों, 4 लोगों को क्यों। और अभी तो न्यायिक जांच की बात हो गई है, न्यायिक जांच होगी और उसमें बहुत सारे ऐसे सच सामने आएंगे जिसमें संबित मलिक जैसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। मैं एक बात दीपक जी पूछता हूँ, इन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से तो जमीन किसान के पास से कॉर्पोरेट के पास चली जाएगी। संबित जी, पंजाब में है कि नहीं है पराली जलाने पे 5 लाख का जुर्माना है कि नहीं है, लागू नहीं है, जेल है कि नहीं है, यही लोग तो यहाँ भी लागू नहीं है। अरे कानून तो आज क्या दिया, जेल भेजने का प्रावधान है, जेल भेजने का प्रावधान है, डाल के जो बैठे हो आज, सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं है बात करो, जो चपेट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, जो चपेट लगाई है कि कानून तो यहाँ भी नहीं है, कानून तो यहाँ भी नहीं है, कोई कानून वहाँ लागू नहीं है, आप भी नहीं बात करते हो, उन्होंने कहा झूठ मत बोलिए, सभी को लिख के बैठ के यहाँ पे झूठ की दुकान चला रहे हैं, बैठे किसानों के झूठ की दुकान मत चलाइए, किसान यूनियन को नोटिस मिल गया है, पंजाब में किसान यूनियन को नोटिस मिल गया है, जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में, जो दिल्ली का गला घोट के रखा है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता तुम लोगों से जवाब मांगेगी, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करती, देश की जनता, देश की जनता, देश की जनता आपकी तरह लिखने के नहीं आती, वो सिर्फ बटन दबाती है, बटन 14 दिन में करने के भुगतान का आदेश, 2014 और 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं, लेकिन आप अपने विपक्षी सहयोगी किसान किसी की बात नहीं मानते हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 दिन में भुगतान कराइए, तो कराइए भुगतान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अरे अरे आप बताइए, किसी की बात नहीं मानती है, 1,40,000 का भुगतान हुआ, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, नहीं हुआ था, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कितने दिनों से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में भुगतान कराइए, नहीं तो प्याज का पैसा दिलवाइए, अरे आप झूठ बोलोगे, किसान का पैसा खा जाओगे, कि देश की जनता किसानों के साथ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हो तो बताओ ना, किसान आपके साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हो कि नहीं मानते हो, किसान नहीं है, आपकी दिक्कत सबसे बड़ी है कि हमारे पास किसान नहीं है, किसान कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है, ये लोग हमारे पास कोई नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, जो सबको रोक रहे हो, चंदा इकट्ठा करके अपनी जिंदगी चलाने वाले, करोड़ों रुपए इकट्ठे करने वाले बैठ गए वहाँ जाकर, अरे किसान तो कह रहा है मैं तो खेत में हूँ, आपने तो मंदिर का पैसा खा लिया, आप लोगों ने मंदिर का पैसा खा लिया, किसान आंदोलन से बहुत आगे निकल गए, मंदिर तक मत पहुंचिए, और कई मुद्दे हैं जिन पर अभी बात करना बाकी है। सवाल मेरा आनंद दुबे जी से होगा कि किसानों को तो मुआवजा, लेकिन बाकी जो लोग मारे गए इस हिंसक झड़प के अंदर, उनकी गलती क्या है? देवेंद्र सिंह राजपूत मेरे दर्शक भोपाल से जुड़ गए, देवेंद्र सिंह जी बताइए क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके बारे में?
हिंसा तो बहुत ही दुखद हुई है और इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसमें कानून अपना काम करे और जो राजनीतिक दल इसमें जो भी अपना फायदा ना लें इसमें और सरकार के ऊपर भरोसा रखें वो और कानून के ऊपर भरोसा रखें, जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है, सीधे आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी बताइए, चार किसानों को तो आपने मुआवजा दे दिया, पर अगर मेरी जानकारी सही है तो जो चार अन्य लोग जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है और एक पत्रकार, उन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं? आनंद जी ये भी तो बताइए, उन लोगों की क्या गलती जो उसमें मारे गए? नहीं देखिए, मुआवजा जो है वो सरकार सभी पर विचार कर रही है और विचार आपने किसानों को देने की सार्वजनिक घोषणा की लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं, ये क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? सिर्फ किसानों को कुछ करने के लिए आपने उनको मुआवजा दे दिया, जो बाकी मारे गए उनकी बेचारों की क्या गलती मुझे बताइए। नहीं नहीं सभी 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 नहीं 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 सभी नहीं 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 सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। ये सरकार ने नहीं कहा अभी तक, ये सरकार ने नहीं कहा सभी को मिलेगा। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें स्पेसिफिक कहा गया चार किसानों को मुआवजा मिलेगा, बाकी लोगों के लिए नहीं कहा गया, ना उसकी घोषणा हुई ना कोई ऑर्डर निकला। देखिए नहीं, देखिए नहीं नहीं सभी को मिलेगा, मैंने स्पष्ट किया आपको सभी को मिलेगा। हाँ, अब मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने सुना जो बैठे थे और कह रहे थे कि आंदोलन कोई भरोसा नहीं है। देखिए आंदोलन तीन चीजों, अरे बात सुन लीजिए ना भाई, आप बहुत बोलते हैं, सुन तो लीजिए, लगातार आप ही बोलेंगे क्या? डिबेट में और भी लोग बैठे हैं, सब लोग शांति से सुन रहे हैं। आपसे ज्यादा कोई बोल रहा है, हम आपकी बात का जवाब देने आए। अरे आप झूठ, अरे बोलने के लिए आए तो आपने बोल लिया ना, अब हम बोल रहे हैं, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आंदोलन आंदोलन किन तीन मांगों को लेकर शुरू हुआ था? जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात मलिक जी, आंदोलन किन तीन मांगों को लेकर शुरू हुआ था, बस मुझे बता दीजिए। तीन मांगे क्या? गन्ना भुगतान तीन मांगों को लेके आंदोलन शुरू हुआ था? गन्ना भुगतान ना मांगे, कौन सी तीन मांगे थी जिनको लेके आंदोलन शुरू हुआ था, आप मुझे बताइए। कौन सी तीन मांगे आपने? एमएसपी, आपने एमएसपी की बात की, हमारे पैसे जब जब तीनों कृषि कानून आए तो आपने एमएसपी की बात की, हमने एमएसपी पे गारंटी दी कि एमएसपी है रहेगा। आप उसके बाद ट्रैक्टर का मसला लेके आए, सरकार ने उसका भी हल निकाला। आप पराली का मसला लेके आए, सरकार ने उसका भी हल निकाला। उसके बाद आप कहने लगे नहीं जी तीनों कानून रद्द कर दो, सरकार ने लगातार आपसे वार्ता की, लेकिन चूंकि आप बात करते सरकार से बातचीत करना ही नहीं चाहते थे, आप हर बार गलत दिशा में चीजों को ले जाना चाहते थे, इसलिए चीजें आज तक रुक गई। और सुनिए, 1,43,000 करोड़ रुपए का भुगतान, 1,43,000 करोड़ रुपए के गन्ना का भुगतान उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिछली सरकारों में किसानों को गन्ना का भुगतान नहीं मिलता था, पिछली सरकारों में अनाज की खरीद का पैसा महीनों किसानों को नहीं मिलता था, आज 12 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता है। इसके अलावा दोनों रुक जाइए, पर बोल रहे हैं, मुझे दोनों को रोकना पड़ेगा। जगतार सिंह बाजवा जी के पास चलता हूँ, फिर चरणजीत सिंह सप्रा साहब के पास चलूंगा और वाजपेयी जी के पास। आप दोनों रुक जाइए। सवित मलिक जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दूसरे पर मत बोलिए, ऑडियो जनता नहीं समझ पाती है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। जगतार सिंह जी, मैंने माना किसानों के साथ हिंसा हुई, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई या गाड़ी उलट गई, जो भी परिस्थितियां बनी हो, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है, लेकिन बाद में आंदोलनकारियों ने जो डंडे से लोगों को पीट पीट कर मारा, जिनके पिक्चर्स में टीवी पर नहीं दिखा सकता, इतने विभत्स हैं, क्या प्रति हिंसा को आप जायज ठहराते हैं जो आंदोलनकारी किसानों द्वारा की गई? मैंने दीपक जी पहले भी ये क्लियर किया है कि एक बात ये स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि न्यायिक जांच की मांग किसानों ने की है, और जब न्यायिक जांच की मांग किसानों ने की है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों ने न्याय। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ उस हिंसा का भी सच सामने आएगा, तो क्या किसान सार्वजनिक तौर पर नहीं दिख रहे क्या?
हम उसकी निंदा करते हैं। पीट कर मारा गया, वो तो तस्वीरें कैमरे पे कैद हुई है। जो 9 लोगों की मौत हुई है, जो 9 दीपक जी मैं 9 लोगों की बात कर रहा हूँ, जो 9 लोग आज किसी कारणवश जैसे भी आज जो इस दुनिया से चले गए, उसका दोषी एकमात्र व्यक्ति है आपके जो मिश्रा जी हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके जो पुत्र हैं, उनका नशे में चूर होना, सत्ता के नशे में चूर होना, ये उसका कसूर है। इन सारी हत्याओं का, इन सारी का दोषी कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उनसे आप सवाल नहीं कर रहे हैं सर। ये किसानों के साथ जो हुआ बिल्कुल गलत है, किसी एक आदमी की भी जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन आंदोलनकारियों ने जिन लोगों को पीट पीट कर मार डाला, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम किसी हत्या का समर्थन नहीं करते। नहीं नहीं, वो तो आप ही के लोगों ने की ना सर, वो तो आपके लोगों ने सार्वजनिक तौर पर की। पीटने का समर्थन नहीं करते। हाँ जी, वो तो आप ही के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर की ना सर। चोरी है, उसमें सामने आ जाएगा किन लोगों ने की है। ठीक है, मैं सीधा यही सवाल वाजपेयी जी के पास लेता हूँ। वाजपेयी जी, क्या प्रति हिंसा का समर्थन किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं, कि कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई आंदोलन करते हुए आंदोलनकारी हिंसा में सम्मिलित हों। और ये आंदोलन का इतिहास हो गया है, चाहे लाल किला हो, चाहे 26 जनवरी वाला हो। आपने देखा होगा लाल किला कांड में 350 पुलिस वालों उसके मारा गया था, घायल हुए थे, भूले नहीं है वो लोग। आईटीओ पे ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा था पुलिस वाले पे, वो साजिश सरकार की थी, साबित हो चुकी है वो साजिश। भाजपा भी आप जैसे वरिष्ठ आदमी ऐसी बात करते हो, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ऐसी बात करते हो। 26 जनवरी सरकार की साजिश थी। और क्या वो साजिश सरकार की थी? आप जैसे बताइए, आपकी पार्टी साफ कह रहे हैं कि साजिश सरकार की है, क्या आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ सरकार ने कोई साजिश की? बताइए आप सत्ता की बात करते हैं। 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी को क्या हुआ बताइए? 26 जनवरी को हमारा किसान शहीद हुआ, किसान शहीद हुआ। 26 जनवरी को कौन लोग थे? हाथों में तलवार लहराने वाले कौन लोग थे? 26 जनवरी को पूरी दुनिया ने बंद कर दिया, कौन लोग थे? की मंडी कहा जाओगे? बताइए, सब एक जनवर बोल रहे हैं। सुमित अरोड़ा मेरे दर्शक गाजियाबाद से जुड़ गए, उनके पास चलता हूँ। सुमित बताइए, क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी में हुआ जो उसके बारे में? सर, लखीमपुर खीरी में जो ये मामला चल रहा है, मैं तो इसे यही कहूंगा कि ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश चल रही है। आप ये देखिए कि यूपी के लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम था, उस पर पहले से ही राजनीति के तहत वहां पर जाकर के लोगों ने उस जगह पर बिल्कुल अपना जमावड़ा जमा दिया। उसके बाद जब बाकी के लोग सड़क किनारे से जाकर के वहां पर अपना काफिला लेकर के जा रहे थे, तो लोगों ने पहले से ही, जो किसानों के नाम पर लोग उपद्रव कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि किसानों के द्वारा इस तरह का कोई काम किया गया है। ये कुछ लोग हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये सारी वहां पर घटना की गई है। पहले आ रहा था कि 8 लोगों की हत्या हुई है, अब पता लगा है कि वहां के जो लोकल एक पत्रकार हैं, उनकी भी हत्या इस मामले में कर दी गई है। आप ये मान के चलिए कि जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं, वो इस राजनीति का हिस्सा बने हैं। ठीक है, इसमें मारे गए। सुमित जी, यहीं रुकिए, मेरे पास आपके लिए वक्त इतना है, ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद चरणजीत सिंह सप्रा साहब के साथ बात शुरुआत होगी, ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं देश की बहस में, आज लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में 9 लोगों की जान चली गई है। 9 ऐसे लोग जिनको नहीं पता, जिनकी जान गई है, उनमें से 4 किसान हैं, 1 ड्राइवर है, 3 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और 1 पत्रकार है। लेकिन सवाल ये, मुआवजा सिर्फ किसानों को ही क्यों दिया जा रहा है, इस पर भी हम बहस कर रहे हैं। सीधे मैं आपको इस पूरे पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन आनंद दुबे जी हैं, मेरे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ AK वाजपेयी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी के, मेरे साथ चरण सिंह सप्रा साहब हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है किसान आंदोलन के, मेरे साथ चौधरी सवित मलिक हैं नेशनल प्रेसिडेंट है फार्मर्स यूनियन के। और मैं सबसे पहले सप्रा साहब के पास चलूंगा। सप्रा साहब, अपोजिशन पार्टी को भी एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन
हमेशा कांग्रेस को देखकर ऐसा लगता है कि ना केवल वो किसान आंदोलन को मोरली सपोर्ट कर रही है, जो उसे करना भी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, लेकिन समाधान की दिशा में कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन आज तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही बता दे सरकार को क्या करना चाहिए। तीन काले कानूनों, सरकार का कहना है कि कानूनों को वापस लेने के अलावा बाकी विकल्प पर विचार हो। आप कुछ सजेशन दे दीजिए सप्रा साहब। दीपक जी, अनेक बार इस तरह के सजेशन दिए गए हैं, टीवी चैनलों पर भी दिए गए हैं, और पार्लियामेंट में तो इन्होंने चर्चा नहीं करने दी, नहीं तो वहाँ पर भी जो है सजेशन ठीक तरह से आ जाते थे। सवाल लखीमपुर खीरी की जो घटना है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मुझे ध्यान में आ रहा है कि वहाँ पर उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम मेरे ख्याल से होने वाला था, इसीलिए सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जब उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है तब सुरक्षा जो है वो चार चौकन्ना रहनी चाहिए, तो सुरक्षा वहाँ पर पर्याप्त नहीं थी मेरे ख्याल से, इस तरह से इस वजह से भी वो घटना वहाँ पर घटी है। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के अव्वल दर्जे के नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर भड़काऊ बयान देंगे, अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हुए ये कहेंगे कि हमको भी लठ चलानी चाहिए किसानों के ऊपर, तो इस तरह का दृश्य बन सकता है। अजय कुमार मिश्रा अगर ये कहेंगे कि दो मिनट में मैं इनको सीधा कर सकता हूँ, आप मुझे, मैं सांसद बनने से पहले या विधायक बनने से पहले मुझे जानते हो ना मैं क्या था, हाँ सबको पता है आप गुंडा थे, आपके ऊपर 302 का चार्ज लगा हुआ है, 307 के केस आपके ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गुंडों को गृह राज्य मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी ने, और इसीलिए ये सारे वाक्या घट रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के अव्वल दर्जे के नेता इस तरह के भड़काऊ बयान देंगे तो इस तरह के काम हो सकते हैं। और दूसरे नेता क्या कर रहे हैं, कोई किसानों को मवाली कहता है, कोई आतंकी कहता है, कोई खालिस्तानी कहता है, कोई नक्सलवादी, टुकड़े-टुकड़े गैंग, हमारे लिए वो अन्नदाता है, और हमारे लिए वो अन्नदाता है। राव साहब जानवे जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी कहा है, तो इस तरह, तो हाँ, तो इस तरह अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर अन्नदाताओं का इस तरह से चरित्र हरण होगा तो अन्नदाता की आत्मा को भी चोट पहुंचती है। ठीक है, अवनिजय जी से जवाब ले लेते हैं। अवनिजय जी बताइए, क्या अन्नदाता का चरित्र हनन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा भड़काऊ और डेरोगेटरी बयान दे रहे हैं किसानों को लेकर, अवनिजय जी, जिसके चलते आंदोलन जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपक जी, पहली बात तो यह है कि चरणजीत सिंह सप्रा को एक बात साफ साफ यहाँ बतानी चाहिए कि ये जो कानून बने हैं, क्या इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव घोषणा पत्र में, 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में ठीक इसी बात की मांग की थी कि नहीं की थी, और ये वादा किया था कि अगर ये सत्ता में आ गए तो हम ये करेंगे, मंडियां और मंडियां खत्म कर देंगे। इन्होंने तो कहा था मंडियां खत्म कर देंगे हम, यहां तक कहा था, यह सच है और लिखित में है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का। एक सेकेंड सापरा साहब, बीच में बोलने दीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोले वो, सापरा साहब बोलने दीजिए प्लीज, लखीमपुर नहीं बोले। अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बोलिए बोलिए, नहीं मैं इनको पूछेगा लखीमपुर की हिंसा जाए, मैं हर हिंसा की, आज जो लोग अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं वो ये बताएं कि तीन दिन में 1984 में तीन दिन के अंदर हजारों सिखों का नरसंहार हुआ, एक गोली तक नहीं चली, पुलिस की एक गोली तक नहीं चली, घायल तक नहीं हुआ कोई दंगाई, गले में टायर डाल के जला दिया। किसने इस्तीफा दिया, किस पे कानून हुआ, एक आदमी तक पकड़ा तक नहीं गया, हजारों लाखों दुकानें लुट गईं, जमे जमाए बिजनेस खत्म हो गए उन सरदारों के, उन सिख भाइयों के जिन्होंने विभाजन के बाद आकर के यहां पे बड़ी मेहनत से अपना काम किया था, एक आदमी ने नहीं दिया, एक आदमी ने नहीं दिया इस्तीफा किसी पे। ये जो एक कांग्रेस के एक नेता पकड़े गए वो भी इस सरकार के आने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसलिए नहीं पकड़े गए, उनकी टिप्पणी है, राजनीतिक दबाव के कारण कोई इस पर कार्यवाही नहीं हुई। 1984 में तीन दिन के अंदर हजारों सिखों को जिंदा जला दिया। रिवाइंड बटन ना दबाए सप्रा साहब, क्योंकि आपका नाम है, काउंटर 30 सेकंड का, रिवाइंड बटन ना दबाए, लखीमपुर गिरी पर वापस आ जाए, लेकिन सप्रा साहब सिर्फ 30 सेकंड है काउंटर आपका। नहीं, मैं
मैं यही कहने जा रहा था कि लखीमपुर खीरी पर इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। और सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक सीधा सा ट्वीट भी नहीं करा है, वो चाहे हाथरस का मामला हो, सोमभद्र का मामला हो, या लखीमपुर खीरी का मामला हो, या उन्नाव का मामला हो, प्रधानमंत्री क्यों धृतराष्ट्र की भूमिका में आ जाते हैं? एक ट्वीट नहीं कर सके हमारे भूमिपुत्रों के लिए, एक ट्वीट नहीं कर सके अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, एक ट्वीट नहीं कर सके वो जो ड्राइवर बेचारा मरा है उसके लिए। ठीक है, तो इस सीधे आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया, ये किसानों किसानों को कुचलना बंद करिए। ठीक है, सप्रसाद जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी करिए, देखिए प्रधानमंत्री जी इन राजनीतिक दलों की तरह नहीं हैं जो हर मुद्दे पर राजनीति करें, और प्रधानमंत्री जी की अपनी एक गंभीरता है और उस हिसाब से वो सारी चीजें करते हैं, और प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए जो कर रहे हैं उसको किसान भी महसूस कर रहे हैं और पूरे देश के किसान उसको देख भी रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। पहली चीज, दूसरी चीज, को दाने खिलाने के लिए हैं, मोर को दाने खिलाने के लिए तो ट्वीट कर दिया था। 2019 नहीं, इन लोगों ने तो 2014 2013 में राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था एपीएमसी एक्ट खत्म करो। 2011 में योजना आयोग ने चिट्ठी लिखी थी, शरद पवार ने चिट्ठी लिखी थी। ये तो खुद के कार्यकर्ता भी तो मरे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पाई ले आने की। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि 2014 के बाद वंशवाद, जनता पार्टी के नेता, जातिवाद, सप्राजी सबके बीच में नहीं सप्राजी सबके बीच में नहीं हो चुका है। जो पहली बार इस देश में देखा है, जो लोग इस देश को अपनी जागीर समझते थे, जनता ने ऐसे लोगों को उठाकर नीचे फेंक दिया है। और यही वजह है कि राजनीतिक दलों में छटपटाहट है और इसी सत्ता की छटपटाहट और इसी सत्ता की चाहत की वजह से ये लोग षड्यंत्र करते हैं और इस तरह की घिनौनी घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं और पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये कैसी सरकार है, षड्यंत्र की बात करते हैं, किसानों की जान से खेल रहे हैं। अरे आपको ठीक है, ठीक है, सप्राजी हर किसी के बीच में बोलना है ठीक नहीं है। फिर मैं आपको कुछ कहूंगा, चुनाव में फिर मैं आपको ऑडियो डाउन करूंगा, आपको बुरा लगेगा। सबके बीच में मत बोलिए सप्राजी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे सप्राजी, हर किसी के बीच में मत बोलिए। समित मलिक जी, किसानों की यूरिया खा जाते हैं। समित मलिक जी, क्या ये अनंत काल तक किसान आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा? किसानों की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। झूठ बोलते हैं आप बैठकर टेलीविजन। दीपक जी इनको शांत कराइए, ये उंगली उठाए रखते हैं। देखो दीपक जी, ये सरकार के हाथ में है, आंदोलन जब चाहे जब खत्म हो जाएगा। इन्होंने जितने वादे किए कम से कम उनको तो पूरा करें। ये कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनाए। इन्होंने एक दिन कहा था हमने दो चीजें मान ली, उनकी घोषणा करें। और जो ये बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव करके तो दिखाए कि आज तक किसानों की समझ में आ जाए। लेकिन कर भी देंगे तो आप मानेंगे नहीं, बोले नहीं तीनों काने कानून वापस लो या सर नो बोलो, सरकार उसके लिए राजी नहीं हो तो स्टेटेड पोजीशन है ना। समित मलिक जी, एक तरफा घोषणा करने से भी क्या हो जाएगा सरकार को? आपके नेता मानेंगे थोड़ी, आपके नेता मानेंगे थोड़ी, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और घुसा हुआ है। अगर इनको करना है कुछ करके तो दिखाए, एमएसपी पे कानून तो बनाए, ट्रैक्टर ट्राली वाला बिजली वाला अधिनियम तो वापस ले, इन्होंने घोषणा कर दी वो भी नहीं लिया। दूसरी रही बातचीत की, हमने खुद प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, हम दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, ना कुंडी है ना दरवाजा है, जब चाहे आके हमसे बात कर ले, नहीं तो ये अपना अरे सर, आपने पूरी दिल्ली का गला घोट दिया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है समित मलिक जी, हम थोड़ी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है पूरा गला घोट दिया। एक गला सरकार एक रास्ते क्या सरकार एक तरफा घोषणा कर देगी तो किसान संगठन मान लेंगे? चलिए मान लिया, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला अधिनियम भी, बिजली वाला भी जो सरकार ने कहा, एमएसपी भी, सब सरकार ने घोषणा कर दी, क्या किसान संगठन मान लेंगे जो बैठे हुए हैं? जहाँ पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जहाँ का रामदेव का हुआ, जहाँ बीजेपी ने आंदोलन किया, हमारे हमने रास्ते नहीं रोके। ये कहां रास्ते उन्होंने रोके, ये तो राजनीति सरकार ने रोके, सरकार डरी हुई है किसानों से, पार्टियों का समर्थन ले रहे हैं, राजनीतिक पार्टी किसका समर्थन ले रहे हैं? अरे हमको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है,
हमने किसी को माइक और मंच नहीं दिया है, लेकिन जब विपक्ष में थे तब आप आते थे हमारे मंचों पर। सवित मलिक जी, फिर आप सबके बीच में बोल रहे हैं। वाजपेयी जी कंफ्यूज करिए, वाजपेयी जी मेरे पास वक्त नहीं है, सवित जी रुक जाइए। वाजपेयी जी कंफ्यूज है, 12 बार कृषि मंत्री जी ने जब बात की आपसे तो आप मुंह पे डिस्प्ले बोर्ड लेके बैठ जाते थे साइलेंस का, आपने हिस्सा ही नहीं लिया जानबूझ के। और आपके टिकैत साहब ने तो कहा है कि हम तो 2025 तक लड़ेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। एजेंडा तो बड़ा क्लियर है आपका, आप तो राजनीतिक पार्टियों के जो विपक्ष की है उनके हाथ में खेल रहे हो। देखिए आपने गुमराह किया, एमएसपी छीन लेंगे, एमएसपी मिल रही कि नहीं मिल रही। और यहीं पर रुकेंगे वाजपेयी जी, यहीं पर रुकेंगे। क्या लखीमपुर की घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई? यस कहना है 90% दर्शकों का, नो कहना है 10% दर्शकों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।